रजिस्टर रहेंगे। वो रजिस्टर क्या है? फील्ड में दीदी के पास चार रजिस्टर रहता है, एक डेली रजिस्टर, एक वीकली रजिस्टर, एक नेम राइटिंग रजिस्टर और एक इंफॉर्मेशन बुक। ये चार रजिस्टर दीदी के पास रहेगा। एमआरपी के पास जो रजिस्टर रहेंगे वो है नॉन फार्म रजिस्टर। मतलब ये रजिस्टर कहाँ रहेगा? एमआरपी के पास तो रहेगा, लेकिन ये रहेगा कहाँ पे? ये रहेगा ऑफिस में। एमआरपी टॉप सीट, ठीक है। तो ये चारों जब पूरा बन जाएगा, जब हम इस खाने में पहुंच जाएंगे बन के, तब हमारा ये जो रिपोर्ट बन के तैयार है वो रिपोर्ट देखकर पता चलेगा कि मेरे जो बेनिफिशियरी है इस प्रोग्राम के संदर्भ में, वो बेनिफिशियरी कितने आगे बढ़ी है बिजनेस में लेकर, मेरा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, मेरे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ कहाँ पे गैप्स हो रहे हैं, कौन कौन जगह पे हमें इनपुट देना है, कौन कौन जगह पे हमें थोड़ा सा सुधारना है, कहाँ पे थोड़ा सा बाहर से एफर्ट लाना है, ये जो जब इस जगह पे पहुंच जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा। और अभी हम ये इन हाउस डॉक्यूमेंटेशन में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रथम वाला है ये नॉन फार्म एमआरपी रजिस्टर फॉर्मेट। एक नंबर नियम, जीविका से दिया हुआ हर एक संपत्ति का पोस्टिंग, POS, पोस्टिंग का मतलब है लिखना, लिखना पड़ेगा एमआरपी रजिस्टर में। ओपनिंग स्टॉक में मुझे वही 3,000 रुपया लिखना पड़ेगा। आज का ओपनिंग, ये जो ओपनिंग में लिखा उसी को क्लोजिंग में लिखेंगे। उसके बाद ये वाला सारा बॉक्स खाली जाएगा और टोटल में 3,000 आ जाएगा, क्योंकि आज हमने सामान दिया है। तीसरा पॉइंट लिखिए, एमआरपी रजिस्टर में परचेस आएगा, परचेस आएगा। क्या लिखेंगे? डेली रजिस्टर के वीकली टोटल परचेस घर से, चौथा नंबर लगा के लिखिए। ये वाला जो सेल है, इस सेल के बॉक्स में जो भी हम लिखेंगे, लिखने से पहले हमें उसी वीक का डेली रजिस्टर के बॉक्स में चला जाना है, जाके देखना है जी टोटल वीकली टोटल कितना सेल है। मतलब एक सप्ताह में दीदी टोटल कितना बिक्री की है, जितना बिक्री की है उस डेली रजिस्टर के फॉर्मेट से देखकर हमें इस सेल के घर में लिख देना है। अभी पांच नंबर लगा के लिखिए। पांच नंबर में क्या है? एमआरपी रजिस्टर में बिजनेस एक्सपेंडिचर आएगा डेली रजिस्टर के अदर कॉस्ट, मतलब अन्य खर्च का लिखिएगा वीकली टोटल के घर में। उसके बाद लिखिए जितना रुपया वह लिखना पड़ेगा, वह लिखना पड़ेगा, दीदी जो कहेगी वही लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग डेली रजिस्टर के अदर कॉस्ट वाला जो घर है, अन्य खर्च, उस घर में फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं 700 रुपया है वीकली टोटल। हमने कहा था ना वीकली टोटल वाला है ना, उसमें लिखा है 700 रुपया। अभी आपको दीदी से पूछना पड़ेगा, दीदी ये तो 700 रुपया आपने खर्चा किया है, अभी ये 700 रुपया में बिजनेस पर्पस कितना खर्चा किया है? मतलब आप कपड़ा जो सामान किराने का दुकान आपने आपको दिया गया है, किराने का दुकान का सामान आप लेने के लिए गई हैं, लेकर वापस घर आई है ना, तो ये भाड़ा उड़ा आने जाने का सप्ताह में कितना बार गई है, वो डेली रजिस्टर देखने से ही पता चलेगा कि कितना बार वो खरीदने के लिए गई है। परचेस वाला घर है ना, गई है कि नहीं? परचेस वाला घर है ना, देखेंगे तो पता चलेगा ना कि वो दो बार गई है।
तो ठीक है, दो बार दीदी आप सामान खरीदने गई है तो दो बार जाने में और आने में आपका भाड़ा कितना लगा है ये बताइए। ओके, उसने बताया कि जाने में 50 रुपया, आने में 50 रुपया, क्योंकि मेरे साथ सामान भी था, उसका किराया लिया तो 50 रुपया 50 रुपया 100 रुपया हो गया। दो बार गई है तो 200 रुपया। ठीक है, तो दीदी और क्या खर्चा किया कि हम बैग झोला तो लेके गए थे लेकिन मार्केट में जाके सामान हमने इतना खरीद लिया कि झोला कम पड़ गया तो हम दो झोला खरीद लिए। तो ये झोला किस लिए खरीदी है? बिजनेस पर्पस नहीं ना खरीदी है, बिजनेस पर्पस में ही तो खरीदी है। तो वो झोला ले लिया कितना? 60 रुपया, तो 260 रुपया जुट गया। दीदी और क्या खर्चा हुआ बताइए बिजनेस में? फिर उसने कहा कि सर हमारा जो वो किराने का दुकान है ना, उसका लाइट फूट गया था तो हमने 50 रुपये का लाइट लगाया है ना, तो वो 50 रुपये 260 से आप 50 जोड़िएगा है ना, वो लाइट तो दुकान में ही लगाई है ना, तो दुकान से ही तो वो खर्चा निकलेगा। तो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर में वो 50 रुपये आपको जोड़ना है, तो 260 और 50 जोड़ेंगे कितना आएगा? 310। समझ में आया? अभी बाकी इसमें से 310 है ना, अभी 310 जो हुआ वही हमें इस घर में लिखना है। बाकी पैसा दीदी आपने क्या किया? ना सर, हम ना अपने पहनने के लिए दो साड़ी खरीद लिए थे तो उसको नहीं लिखना है। समझ में आया कि हम अपने बच्चे के लिए दो कपड़ा, दो फ्रॉक खरीद के लाए थे या दो पायजामा खरीद के लाए थे तो वो नहीं लिखना है, या हमारे घर के लिए एक बाल्टी खरीद के लाए थे तो वो नहीं लिखना है। समझ में आया? इसलिए दीदी से पूछना है, सवाल जवाब करके निकालना है हिसाब। और आपका नज़र कहाँ रहेगा? ये परचेस के घर में, वो कितना बार खरीदने गई है। हाँ, डेली रजिस्टर, वीकली नहीं, डेली रजिस्टर, डेली रजिस्टर से ये पता चलेगा। इसलिए आपका फोकस डेली रजिस्टर में ही रहेगा। इसलिए आप दीदी के घर में जब जाइएगा प्रथम डेली रजिस्टर कीजिएगा, उसके बाद वीकली रजिस्टर कीजिएगा, उसके बाद आइएगा MRP रजिस्टर में। दीदी के घर में जब आप जाइएगा साथ में आपका MRP रजिस्टर होगा। ठीक है, समझ में आया बिजनेस एक्सपेंडिचर के मामले में? अभी इनकम वाला जो घर है ये हमें निकालना पड़ेगा जोड़ घटाव करके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये उधारी वाला घर है। ड्यू आप लोग लिखिए, ड्यू कहाँ से आएगा? 6 नंबर पॉइंट लगा के लिखिए, MRP रजिस्टर में ड्यू मतलब उधार, उधार आएगा, उधार लास्ट ड्यू के घर से, बस ये हो गया। अभी ये सारा काम करने के बाद हमारा कैशिंग हैंड आ जाएगा, जोड़ घटाव करेंगे सब कुछ तो हमारा जो है कैश इन हैंड, हाँ, और उसके बाद तो टोटल आ ही जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं, क्या निकालेंगे? इनकम। ये सिर्फ इनकम नहीं है, इनकम उसके साथ है प्रॉफिट, है ना। तो एक नंबर फॉर्मूला लिखिए, इनकम लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला क्या है लिखिए। ये देखिए आप लोग फॉर्मेट में लिखे हैं कॉपी में, क्लोजिंग स्टॉक देख देख के लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक लिखा प्लस सेल मतलब बिक्री, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल, उसके बाद माइनस ये क्या है ओपनिंग स्टॉक लिखिए, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस, माइनस परचेस, माइनस
बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मेट आप सबके पास जाएगा। यहाँ पे पोस्टिंग का भी नियम हम लिख के लाए हैं, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप सबके पास ही रहेगा, चिंता ना करें। दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, टोटल एसेट, ये रहा ये टोटल, कहाँ से आएगा, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ड्यू प्लस कैश इन बैंक, कैश एंड बैंक, कैश मतलब हाथ में नगद और बैंक मतलब उसका पासबुक में जितना बुक पैसा है वो देखकर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चर्चा किया और इस फॉर्मेट में कैसे गणित को सॉल्व करें उसका फॉर्मूला के बारे में भी चर्चा हुई। हमने बताया कि जीविका से कोई भी सामान या संपत्ति जब हम दीदी को देंगे तो एमआरपी रजिस्टर में हमें उसे चढ़ाना पड़ेगा, जैसे ओपनिंग में लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा, और वही ओपनिंग और क्लोजिंग वाला पैसा सेम पैसा टोटल एसेट मतलब कुल संपत्ति के घर में लिखना पड़ेगा। बस यही एक, इसी को कहते हैं पोस्टिंग, मतलब लिखना, हमें लिख देना पड़ेगा। अब आते हैं ये जो एमआरपी रजिस्टर है, हमने देखा है कि डेली रजिस्टर प्रतिदिन करना पड़ता है और एमआरपी प्रति सप्ताह दीदी के घर में एक बार जाकर उसका क्या करता है, वीकली टोटल करता था डेली रजिस्टर में, जो रेड वाला पेन से हम लोग करते हैं है ना, वो एक दिन काम करता है। वीकली रजिस्टर भी सात दिन दीदी रोज करेगी, ठीक है ना, और सात दिन के बाद जाके हम लोग एमआरपी क्या करेगा, उसका टोटल करेगा। अभी ये जो टोटल है ये सारा सामान कहाँ पे आएगा, एमआरपी रजिस्टर में चढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब डेली रजिस्टर डेली डेली करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा है ना। वीकली रजिस्टर आप सात दिन में एक बार जाके स्टॉक देखकर उसका एंट्री कर सकते हैं, उसी हिसाब से एमआरपी रजिस्टर भी सात दिन के बाद बाद का पोस्टिंग होगा, मतलब सात दिन के बाद बाद का वो जो वीकली टोटल हमने किया था वो टोटल वाला सामान बैठाना पड़ेगा। अभी देखिए हमने दीदी को एक तारीख को सामान दिया था, देने के बाद दीदी ने सात दिन बिजनेस किया, सात दिन बिजनेस करने के बाद हम दीदी के घर में सात तारीख को गए थे। अभी सात तारीख को दीदी का बिजनेस का क्या क्लोजिंग है, क्या ओपनिंग है, क्या बिक्री है, क्या खरीदा है, क्या बिक्री है, बिजनेस पर्पस क्या खर्चा हुआ है ना, ये सारा चीज हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और वो लिखने का तरीका नियम हम लोग कल लिखाए थे। तो आइए हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी देखिए ये जो है ये वाला हमने कहा था कि पिछले हफ्ते का क्लोजिंग दिस वीक का मतलब इस सप्ताह का ओपनिंग में बैठेगा, तो हमने क्या किया यहाँ से इसको देख देख कर यहाँ पे उतार दिया, ओके? दूसरी चीज क्या है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम स्टॉक, ये कहाँ से आएगा, ये वीकली रजिस्टर के वर्तमान कुल संपत्ति जो है उसके घर से आएगा। तो वहां पे कितना लिखा है देखिए, थोड़ा 1570 हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके? दूसरी चीज क्या है, परचेस माने खरीदारी, एक सप्ताह में दीदी कितना टोटल कितना खरीदारी की थी, ये कहाँ से आएगा, डेली रजिस्टर में, डेली रजिस्टर का वीकली टोटल। तो थोड़ा सा डेली रजिस्टर देखिए, देखकर बताइए कि वीकली टोटल 1000, तो हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया। उसके बाद आइए सेल मतलब बिक्री है ना, ये बिक्री वाला कॉलम
कहां से आएगा? ये भी डेली रजिस्टर के टोटल आएगा। कहां से? वीकली टोटल, वीकली टोटल बिक्री के घर से। तो दीदी एक सप्ताह में कितना टोटल कितना बिक्री की थी? कितना? 3280। तो हम वहां से हम देख देख कर 3280 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? बिजनेस एक्सपेंडिचर, मतलब व्यापार के संबंधित खर्च, ये कहाँ से आएगा? डेली रजिस्टर से आएगा। अदर जो कॉस्ट वाला है, अन्य खर्च, उस कॉलम से आएगा। थोड़ा बोर्ड में ध्यान दीजिए, एक महीने के बाद हम जीविका को ये बताना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के संदर्भ में, इस रिपोर्ट के आधार पे, कि सर आप लोग ने दिया था 3000, ये 3000 में दीदी एक महीना में बिक्री की है, खरीदारी की है, ये सब करके उसका अंतिम स्टॉक ये आ गया है 1580 रुपये। इस एक महीने में दीदी दो बार खरीदारी की है 2000 रुपये का। इसी एक महीने में उसका बिक्री हुआ था 4860 रुपया। इसी महीने में वो बिजनेस पर्पस खर्चा की थी 205%। इसी महीने में उसका प्रॉफिट हुआ है, एक महीने में प्रॉफिट 1235। एक महीने के अंत में जाके उसका उधार है 90 रुपया। दीदी के हाथ में पैसा है हाँ, और अभी उसके पास टोटल एसेट सब कुछ मिला के, सारा चीज मिला के उसके पास है, आपने दिया था कितना? 3000। तो देखिए सर जी, दीदी का बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। एमआरपी रजिस्टर में क्या परिवार खर्च है? नहीं है तो है? नहीं, परिवार खर्च नहीं है। नहीं है ना? अभी परिवार खर्च के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डेली में जाना पड़ेगा या वीकली में जाना पड़ेगा? साधारण सी बात है। एमआरपी का टॉप सीट है ना, एमआरपी का टॉप सीट का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आइए हम पूरा जो फॉर्मेट है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा होता है, इसको खोलेंगे तो ये पूरा ऐसे बनेगा। तो इसलिए पूरा फॉर्मेट जो है हम लोगों ने बोर्ड में उतारने का प्रयत्न किया है, और आप सबके सामने ये फॉर्मेट भी है। तो कृपया ये फॉर्मेट को एक नंबर से लेकर 36 नंबर तक देखिए, इसको सजा के अपने सामने खोल के रखिए। इसके साथ साथ जो एमआरपी रजिस्टर जो कॉपी में हम लोगों ने किया था, उसको भी खोल के सामने रखिए। एमआरपी रजिस्टर से इंफॉर्मेशन लेकर एमआरपी का टॉप सीट जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। क्या हम लोग एमआरपी रजिस्टर देखकर एमआरपी टॉप सीट में लिख पाएंगे कि नहीं? ये फॉर्मेट दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक से लेकर 20 तक, सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक, ये जितना भी हिसाब है ये फार्म एंटरप्राइज का हिसाब है। फार्म मतलब पशु संपत्ति, वो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, जो आप देंगे, मुर्गी हो, बतख हो, जो हो, उसका हिसाब यहाँ पे लिखा जाएगा, एक से लेकर 20 तक। और इसके बाद 21 से लेकर 36 तक नहीं, 21 से लेकर आपका 29 तक कॉलम देखिए, 21 से लेकर 29 तक ये जितना भी कॉलम है ये नॉन फार्म एंटरप्राइज का है, मतलब बिजनेस का। वो हो सकता है ग्रोसरी स्टॉल, ठीक है, वो हो सकता है आपका खिलौने का दुकान, वो हो सकता है सब्जी का दुकान, वो हो सकता है फास्ट फूड, पकौड़ा, जूते चप्पल का दुकान, फूल का दुकान, पूजा का सामग्री का दुकान,
बर्तन का दुकान है ना, टोकरी का दुकान, ये सारा कहाँ पे आएगा? बिजनेस में आप आएगा, व्यापार में आएगा। ठीक है, 29 के बाद 30 से लेकर 36 ये इन जनरल है। ये इन जनरल नॉन फार्म में भी आ सकता है, ये इन जनरल फार्म एंटरप्राइज में भी आ सकता है। मान के चलिए कि हम किसी दीदी को जानवर ही दिए हैं, उसको कोई बिजनेस हमने नहीं दिया है, तो ये जानवर वाला फॉर्मेट जो है MRP टॉप सीट इसमें भरेंगे, और ये नॉन फार्म वाला जो है 21 से लेकर 29 तक इसको छोड़ देंगे, फिर शुरू करेंगे 30 से लेकर 36 वाला कॉलम। समझ में आ रहा है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया आप हमें बताइएगा तुरंत। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए हमने जानवर नहीं दिया है, उसको बिजनेस दिया है। बिजनेस दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर घर में देख लीजिए, सीरियल नंबर 1 नंबर घर में दीदी का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद डायरेक्ट हम चले जाएंगे कहाँ पे, 21 नंबर बॉक्स में। अब यहाँ से दीदी का बिजनेस स्टार्ट होता है, तो ये वाला बॉक्स से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी वही फॉर्मेट हमने बनाया है, फार्म वाला हमने नहीं दिया है, इसलिए हम 2 नंबर से लेकर 20 नंबर तक हम ब्लैंक्स रख रहे हैं अभी समझने के लिए। ठीक है ना, इसको हम ब्लैंक्स रख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सीरियल नंबर 1 MRP कितना दीदी को देखेंगे, 50। तो 50 दीदी को देखेंगे, तो 50 दीदी का MRP का जो रजिस्टर है वहाँ से देखकर MRP का टॉप सीट बनाना पड़ेगा। और एक MRP के लिए, एक MRP जो रजिस्टर है उसमें 10 दीदी का नाम आएगा, तो उसके पास कितना होना चाहिए, तो ऐसा टॉप सीट कितना बनेगा, ऐसा टॉप सीट 5 बनाना पड़ेगा, एक में 10 है ना, तो ऐसा आप लोगों को 5 बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हम 5 तक ही रखते हैं। एक नंबर घर में देखिएगा, एक नंबर में घर में क्या है फॉर्मेट देखिए, किसका नाम है, बेनिफिशियरी का नाम लिखना है। एक नंबर घर में लिखना है कि नहीं, तो लिख लीजिए फॉर्मेट में, लिखिए एक नंबर कॉलम में। लिखने के बाद अभी 21 नंबर घर में आ जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, चलिए MRP रजिस्टर में चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, रुक जाइए, वो रेड वाला जो मंथली टोटल है उसमें से, मेरे पास थोड़ा सा एक बार कॉपी दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक महीने का हिसाब किया था ना, लेकिन ये एक महीने का हिसाब कितना दीदी का है, बिल्कुल एक दीदी का। तो एक दीदी का हिसाब हमने 4 बार या 5 बार किया था, करने के बाद उसका टोटल हुआ था, तो ऐसा ही 50 दीदी का करना पड़ेगा, है ना। 50 दीदी का ये अंदर वाला जो कहानी है, ये 50 दीदी का करना पड़ेगा। और हम वही 50 दीदी का कहानी वाला, ये रेड वाला जो हिस्सा है, ये वाला लाके ये एक नंबर वाला बॉक्स में रखेंगे, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे 50 दीदी का बनाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, बनाना पड़ेगा। तो और वो कहाँ पे जाके बनाएंगे, दीदी के घर जाकर हैंड होल्डिंग सपोर्ट में। इसका नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको जब मिलेगा उसमें सिखा दिया जाएगा, अभी पहले ये देख लेते हैं। तो 21 नंबर घर ओपनिंग स्टॉक, तो देख के बताइए, रेड वाला, हमेशा रेड वाला लाइन बताइएगा, कितना है, 3000। ओके, तो हम यहाँ पे 3000 लिख दिए, सही सही बताइएगा, पे हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट पढ़ के बताइए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना,
1580। ओके, तो हमने यहाँ पे 1580 लिख दिया। लिखा, उसके बाद क्या है? परचेस मतलब खरीदारी। टोटल खरीदारी कितना था? 2000। तो हम यहाँ पे लिख दे 2000 लिख दिए। उसके बाद क्या है? बिजनेस एक्सपेंडिचर मतलब व्यापार संबंधित खर्च। टोटल बताइएगा 205। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेल बिक्री 4860। उसके बाद हमें क्या करना है? इनकम, ये जो है ये वाला घर हमें निकालना पड़ेगा। अभी ये वाला फॉर्मेट देखिए, तो ये वाला एमआरपी का टॉप सीट देखा, एमआरपी का टॉप सीट देखा। अभी यहाँ पे देखिए, ये इनकम की घर में ना एक फॉर्मूला रखा है, ये फॉर्मूला के आधार पे निकालना है। समझ में आ रहा है? ये 26 नंबर वाला घर मतलब इनकम, प्रॉफिट अथवा लॉस, ये इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम निकालेंगे। फॉर्मूला वहाँ पे रखा है, ठीक है, फॉर्मेट में है। उसके बाद नेक्स्ट उधार कितना है? 90। सच 90 है? ठीक, तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 90 है। उसके बाद क्या है? कैश एंड बैंक। मैडम नेक्स्ट मैडम बताइए, कैश टोटल बता रही है ना? 1905। ओके, 1905 हम लिख दिए। ओके, उसके बाद है क्या? टोटल एसेट, इसका भी एक क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि नहीं? अभी हम बता के गए हैं कि 21 से लेकर 29 तक नॉन फार्म है, तो हम 29 तक समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद का फिर थोड़ा सा बाद में समझेंगे, ठीक है ना? 26 और 29, ये दोनों बॉक्स हमें, इन दोनों बॉक्सों का जवाब हमें निकालना पड़ेगा। अभी देखिए 26 नंबर का फॉर्मूला क्या है, मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके साथ। देखिए फॉर्मूला, देखिए 26 नंबर घर मतलब कितना? ये वाला। अभी इन दोनों में माइनस करके बताइए कितना आएगा? 1235। जवाब कितना आया? 1235 आया। अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मतलब एमआरपी रजिस्टर में जो जो है वो देखकर यहाँ पे उतार दीजिएगा। बिल्कुल वैसा कर सकते, ठीक है ना? अब आया समझ में? तो हम यहाँ पे 1235 लिख दे। ओ मैडम लिख दे 1235। सिर्फ अगर आपका हिसाब यहाँ पे इस हिसाब से वो वाला हिसाब नहीं मिला तो आप थोड़ा सा रुक जाइएगा और अपने आप को पूछिएगा कि कहीं पे गड़बड़ तो हुआ है। लेते हैं कौन सा निकालेंगे? टोटल एसेट। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं, 29 नंबर घर क्या बता रहा है? 22 प्लस 28 प्लस 27। अभी 29 नंबर घर, 22 नंबर घर में कितना है? 3575। अभी ये वाला जवाब, ये क्या है? टोटल एसेट। एमआरपी रजिस्टर में वापस जाइए, जाके देखिए, सेम आया ना? जब इसके साथ उसका सेम मैच हो जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि आपका मैथ सही है, ठीक है? आप खुद मैथ कीजिएगा, खुद क्रॉस चेक कीजिएगा।
तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा मैथ सही है। समझ में आया? ये कौन एक ना एक ही दीदी का किया है, ऐसे आपको 50 दीदी का करना है। बस देख एमआरपी रजिस्टर देखकर एमआरपी टॉप सीट में उतार देना है। दोनों फॉर्मेट सेम है, एक नंबर घर से लेकर 20 नंबर घर तक, ठीक है ना। ये जो है 20 नंबर घर में क्या है, टोटल एसेट। ये एक नंबर घर से लेकर अभी देखिए 20 घर तक क्या है, सेम चीज है। ये जो चीज है और ये जो चीज है सेम है, तो इसको देखकर ही यहाँ पे उतार देना है। ओके अच्छा, ये यहाँ पे 20 घर है तो ये 21 हो गया। लिखिए यहाँ पे 21, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आ गया। 29 अभी 29 घर में क्या है, टोटल एसेट है, है ना। 29 नंबर घर में टोटल एसेट। 21 नंबर घर में क्या है, ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। ये फॉर्मेट जैसा है सेम वही है, सेम फॉर्मेट है, सिर्फ ये हेडलाइन अलग है। ये एमआरपी रजिस्टर है और ये एमआरपी टॉप सीट है। समझ में आ रहा है? और ये नाम है, नाम है। हाँ, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दीदी का है और ये कहानी सिर्फ एक दीदी का है। और एक दीदी का ये मंथली टोटल जो है, इसी को देख देख कर एक नंबर दीदी अगर ये है तो यहाँ पे एक नंबर बॉक्स में लिखना पड़ेगा देख देख कर। मान के चलिए ये 2 नंबर दीदी का है, ठीक है। तो 2 नंबर दीदी का मंथली टोटल जो है वो देख देख कर 2 नंबर घर में लिखना पड़ेगा। मान के चलिए ये मेरे हाथ पे 3 नंबर दीदी का है, ठीक है। ये बिल्कुल ये 3 नंबर दीदी का है, तो 3 नंबर दीदी का ये मंथली टोटल जो होगा, ये मंथली टोटल ये देख देख कर 3 नंबर घर में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दीदी का है, ऐसे 50 दीदी का बनाना पड़ेगा आपको। बनाकर आप अपने रिपोर्टेबल बस को पास रखना है कि सर ये मेरा रिपोर्ट है, ठीक है। ये प्रति दीदी के लिए दोनों मिलाकर एक महीने का, 5 वीक मिला के 1 महीना बनता है, ठीक है। ये 1 महीना जो मंथली टोटल है ये कितना दीदी का है, एक दीदी का ही है ना। ये एक दीदी का जो कहानी मंथली टोटल है वो सीरियल नंबर 1 में आ जाएगा। और एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई भी फॉर्मेट में या हिसाब किताब के मामले में काम करेंगे तो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि डेली रजिस्टर, वीकली रजिस्टर, एमआरपी रजिस्टर, है ना, एमआरपी टॉप सीट, इंफॉर्मेशन बुक, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मान के चलो हमने 3 लिखा है, ये गड़बड़ हो गया, फिर 3 के ऊपर 3 लिख रहे हैं, 1 लिखा है फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर 1 लिख दिया, मतलब ओवर राइटिंग। स्पष्ट रूप में नंबरों को लिखना पड़ेगा, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, ओवर राइटिंग नहीं किया जाएगा। तीसरी नंबर बात, इस रजिस्टर में जितना रजिस्टर हमने दिखाया है अभी तक, उन किसी रजिस्टरों में व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, काटा पीटी नहीं किया जाएगा। मान के चलो मेरा यहाँ पे गलत हो गया, हम काट दिए, काट के ऊपर उसके ऊपर लिख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो चलिए इस सेशन के लिए हम लोग इस सेशन को अंत करते हैं और क्लैपिंग देते हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया।